अस्सलाम वालेकुम, टेक्निकल नूरानी में मैं आपका खुश आमदीद करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब्र में मिट्टी डालते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और उस दुआ का मतलब क्या होता है और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो से। अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो आपको एक अलग तरीके का नॉलेज मिलेगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप दुनिया व आखिरत का फर्क महसूस कर पाएंगे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर चलें। जब हम लोग मैयत को दफनाते वक्त जो हम दुआ पढ़ते हैं वो मैयत के लिए दुआ नहीं होती है बल्कि जिंदों के लिए होता है, वो जिंदों के लिए इबरत और जो मौत से बेखबर है उनके लिए। मैयत को दफनाते वक्त जब मिट्टी कब्र पर डालने की पुकार उठती है तो लोग दौड़ पड़ते हैं और मिट्टी डालने लग जाते हैं और वो भी मसरूरियत के साथ बिना चेहरे पर शिकन लाए मिट्टी डालते जाते हैं और दुआ पढ़ते जाते हैं और अपना और सोचते हैं कि जो मैं दुआ पढ़ा और जो मिट्टी डाला वो मुर्दे के लिए डाली है। बल्कि ऐसा नहीं है, मिट्टी डालते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं वो कुरान में मौजूद है। तो हम वो भी जानेंगे कि कुरान में किस जगह मौजूद है और उसका मतलब क्या है। पारा नंबर 16 सूरह नंबर 59 और आयत नंबर 55 में इरशाद है, मिन्हा खलकनाकुम, जो हम लोग मिट्टी डालते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं वो कुरान में मौजूद है, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया, वफीहा नुईदुकुम, दूसरी बात जो हम मिट्टी उठा के डालते हैं, वफीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिलाएंगे, और तीसरी बार जब हम मिट्टी डालते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और आखिरत में इसी मिट्टी से हम तुम्हें उठाएंगे। आप यहाँ पर गौर कीजिए, वो आखिरत में हमें उठाएगा भी, पैदा किया है मुर्दा करेगा फिर उठाएगा, और हम लोग जिंदगी की भाग दौड़ में आखिरी मंजिल को भूल चुके हैं। कुरान करीम में रब इरशाद फरमाता है, कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मजा चखना है। जानदार हर चीज़ जिसमें जान हो, आत्मा हो, रूह हो, उस चीज़ को मौत का मजा चखना ही पड़ेगा और अपने परवरदिगार के सामने जवाबदेही होना है और उसी वीरान कब्रिस्तान में हमें छोड़ आएंगे लोग जहां हमारे साथ कीड़े मकोड़े और तन्हाई होगी। तो अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह, जो तेरी राह पर चलना चाहता है उसे चलने की तौफीक दे, इधर सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, इससे हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सलाम।